तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर दिया है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 9। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है हमें 9 से डिवाइड होने वाले सभी नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है जो कि 250 और 1000 के बीच में आते हों। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग पहले कैसे पता करेंगे ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि 250 और 1000 के बीच में आते हैं और वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हों कम्प्लीटली। तो चलिए पहले तो हम लोग फ्रेंड ये पता करेंगे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 250 और 1000 के बीच में आ रहे हों जो कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हों। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर से ये लिखा है 1000। अगर 1000 से एक नंबर हम लोग आगे मतलब पीछे जाएंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा 999। अब देखिए ये जो फ्रेंड 999 है, यहाँ पर से 1000 के एक नंबर पहले ही आता है, ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमें फ्रेंड लास्ट वाला नंबर तो मिल गया है जो कि 999 है, जो कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे लिखा है 250। अब देखिए ये 250 तो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो कैसे पता करेंगे इसके आगे वाला जस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसको पता करने के लिए पहले हम 250 को डिवाइड करेंगे 9 से। तो जब यहाँ पर 250 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से देखिए फ्रेंड, डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा 7। अब फ्रेंड देखिए, रिमाइंडर जो मिला है 7, इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे डिवाइजर में से। देखिए डिवाइजर है 9 और रिमाइंडर है 7। अब डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो फिर फ्रेंड रिजल्ट हमें मिलेगा 2। उस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इस 250 में प्लस करेंगे। जब 2 को 250 में प्लस करेंगे तो ये फ्रेंड हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा 252। तो ये जो 252 फर्स्ट नंबर मिला है, ये नंबर कम्प्लीटली 9 से डिवाइड हो रहा है। अब इसी के आगे का अगर आपको नंबर लिखना है तो इस 252 में 9 प्लस कर लीजिए तो आगे का नंबर में मिलेगा 261। इसी प्रकार आप इसके, अब ये जो नंबर सेकेंड मिला है ये भी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसी के आगे का नंबर आप पता कर सकते हैं। तो इस 261 में 9 प्लस कर दीजिएगा तो इसके आगे का नंबर मिलेगा 270, ये भी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग 1000 से पहले एक नंबर आता है जो कि 999 है, ये भी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये सीरीज का लास्ट नंबर है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर से ये एक हमें एपी मिल चुकी है। अब फ्रेंड इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ये 252 है। तो चलिए फ्रेंड, इस सीरीज का हम लोग कॉमन डिफरेंस पता कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस देखिए 9 ही आएगा, तो पहले हम लोग पता भी कर लेते हैं। देखिए तो ये डी मैंने यहाँ लिख लिया है, डी इक्वल टू देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो सेकेंड टर्म है 261 और फर्स्ट टर्म है 252। जब इसे माइनस करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर ये डी की वैल्यू में 9 मिल गई है। ठीक है, अगर आप ऐसे ना कैलकुलेट करते तब भी आपको यहाँ पर से 9 से डिवाइड होने वाले चाहिए थे, तब भी आपको डी की वैल्यू ऐसे भी पता कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दी है। अब फ्रेंड देखिए, इस एपी सीरीज का लास्ट टर्म दिया है 999, तो ये लास्ट टर्म भी लिख लेंगे एल इजिकल टू 999। तो अब फ्रेंड देखिए, हमें ये पता करना है पहले ये जो सीरीज लिखी है इस सीरीज में कितने नंबर लाई करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इस सीरीज के पता करने हैं। तो हमें एन पता करना है, एन इजिकल टू ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। तो अब फ्रेंड देखिए, एन पता कैसे करेंगे यहाँ पर से, तो एन पता करने के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर से ये वाला फार्मूला लगाएंगे एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में ये लिख लेंगे और इंटू में डी लिख लेंगे। अब फ्रेंड इस फार्मूले में हम लोग एल ए और एन की मतलब एन तो हमें कैलकुलेट करना है, ए एल और डी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो चलिए एल की वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये 999 है तो ये यहाँ से मैंने पुट कर दी है। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं 252 है और डी की वैल्यू देखिए 9 है, तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए जो 999 लिखा है इसे एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, ये जो लिखा है 252 इसे उठा करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का 252 हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर ये एन माइनस वन इंटू 9 बचा है, इसे हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये मैंने लिख लिया है। अब फ्रेंड क्या करेंगे, इधर देखिए 999 में से 252 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर ये 747 बचेगा, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर से और ये वाला टर्म्स एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे।
अब फ्रेंड देखिए, ये जो लिखा है 247, इसे डिवाइड कर देंगे इस 9 से, तो इसे डिवाइड करने पर ये फ्रेंड 9 से जब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 83 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर से जो ये एन बचा है यहाँ पर से इसे हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, और ये जो माइनस वन है इसके साथ वाला, ये माइनस वन इधर आएगा तो यहाँ पर से प्लस का हो जाएगा, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा 83 में, तो यहाँ पर ये 84 हो जाएगा। और इक्वल में यहाँ पर ये जो खाली एन बचा है इसे हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। देखिए मैं एक बार यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये 83 है और ये जो माइनस वन है इसे उठा करके मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो ये प्लस का हो गया। अब प्लस का वन और 83 जब प्लस कर लेंगे तो 84 हो जाएगा, तो हमें एन की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 84। तो ये फ्रेंड हमने ये पता कर लिया है इस सीरीज में ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स 84 हैं जो कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। अब फ्रेंड इन 84 टर्न्स का हमें सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने फार्मूले लिख लिए हैं। तो ये फ्रेंड देखिए दो फार्मूले होते हैं सम फाइंड करने के लिए, आप चाहे ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करें चाहे नीचे वाला, दोनों से आंसर आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पर नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो मैंने ऊपर वाला हटा दिया है। अब फ्रेंड देखिए एन की वैल्यू देखिए 84 पुट करेंगे और ए की वैल्यू 252 और एल की वैल्यू 999, तो चलिए पुट कर लेते हैं। एन की जगह पर मैंने यहाँ पर देखिए 84 पुट कर दिया है और यहाँ पर भी एन की जगह पर 84 पुट करेंगे अपॉन में 280 जैसे लिख लेंगे। एल की जगह पर 252 और सॉरी ए की जगह पर 252 और एल की जगह पर 999 पुट करेंगे। अब फ्रेंड थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एस 84 एच टी जैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, और इसे थोड़ा डिवाइड कर देंगे तो ये जब 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर से 84 को, तो इसका आंसर फ्रेंड यहाँ पर से आ जाएगा 42। तो ये मैंने लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए ये जो लिखा है 252 प्लस 999, इसे प्लस कर देंगे तो यहाँ पर से प्लस करने पर ये फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा 1251। अब फ्रेंड क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो पहले यहाँ पर एस 84 एच टी जैसे लिख लेंगे और इक्वल लगाएंगे, तो अब इस 42 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1251 से, तो आंसर फ्रेंड यहाँ पर से ये आ जाएगा 52542। तो ये फ्रेंड हमने एस 84 मतलब सम ऑफ 80 टर्म्स फाइंड कर लिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर से इस सीरीज के जो 84 टर्म्स हैं जो कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं उनका सम हमने फाइंड किया है। तो ये सम आ चुका है 52,500 आ गया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमने इसका सम फाइंड कर लिया है। देखिए इस फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि हमें ऐसे नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है जो कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और जो नंबर 250 और 1000 के बीच में लाई कर रहे हों, तो उनका देखिए सम आ चुका है जो कि 52,542 है। तो चलिए फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीट हो गया है।